नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑर्डर। लॉन्च के एक महीने के दौरान ही BGMI ने फैंस के दिलों में एक बड़ी जगह बना ली है और इसी के चलते अब फैंस को इंतजार है तो बस गेम के iOS वर्जन का। लेकिन आखिर कब होगा गेम का iOS वर्जन लॉन्च, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। दोस्तों, हाल ही में कई स्ट्रीमर्स जैसे कि क्रॉन्टिन और मैक्सचिन ने अपनी स्ट्रीम के दौरान कहा था कि गेम का iOS वर्जन बस कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है। वहीं कई स्ट्रीमर्स जैसे कि मॉर्टल, अमन, घातक और नोवा किंग ने अपनी स्ट्रीम्स में कहा था कि BGMI के iOS वर्जन को अभी बहुत टाइम लग सकता है। और हाल ही में K3 ने भी कह दिया है कि गेम का iOS वर्जन BGMI के टूर्नामेंट के बाद ही लॉन्च होगा, जिसके कारण गेम के फैंस बहुत कंफ्यूजन में हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि BGMI के iOS वर्जन के बारे में क्राफ्टन ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। IGN इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल एप्पल BGMI के iOS वर्जन को लेकर एक बड़ी दुविधा में है। पिछली बार के पबजी बैन के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया था कि अगर किसी भी ऐप या गेम को यूजर का डाटा ट्रांसफर करते पाया गया तो गवर्नमेंट ऐप के साथ साथ ऐप को ऑथराइजेशन देने वाली कंपनीज और ऐप स्टोर्स को भी पिनलाइज करेगी। कुछ इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के कारण एप्पल अभी भी BGMI को iOS पर लॉन्च करने में हेजिटेंट है। लेकिन एप्पल यूजर्स के लिए एक खुशखबरी भी है। 24 जुलाई को क्राफ्टन ने BGMI का एक पैच नोट रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने कई इश्यूज ठीक करने के साथ साथ ये भी मेंशन किया था कि उन्होंने गेम का iPad पर सीजन मेन्यू पर बंद होने का इश्यू भी रिजॉल्व कर दिया है। ऐसा ही एक हिडन हिंट हमें क्राफ्टन द्वारा लॉन्च BGIS की रूल बुक में भी देखने को मिला था, जहां क्राफ्टन ने पहले मेंशन किया था कि प्लेयर्स सिर्फ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन करने वाले मोबाइल फोन्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन थोड़े ही समय बाद क्राफ्टन ने रूल बुक को एडिट कर लाइन में से एंड्रॉइड का जिक्र कट कर दिया। इन कुछ वाक्यों से ये साफ जाहिर होता है कि क्राफ्टन गेम के iOS वर्जन पर काम तो कर रही है। दरअसल क्राफ्टन खुद इस चीज को मानती है कि गेम को चाहने वाले कई लोग एप्पल के फोन इस्तेमाल करते हैं और एप्पल में गेम का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं एंड्रॉइड से थोड़ा बेहतर है। और कई स्टैट्स से यह भी सामने आया है कि एप्पल यूजर्स एंड्रॉइड यूजर्स के मुकाबले इन ऐप परचेजेस ज्यादा करते हैं। तो क्राफ्टन जानता है कि एप्पल यूजर्स उनके रेवेन्यू और इनकम का एक बहुत ही क्रूशियल और अहम हिस्सा है। इसलिए क्राफ्टन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द BGMI का iOS वर्जन लॉन्च कर सके। और हाल ही में क्राफ्टन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक फोटो भी शेयर करी, जहां पर वो iOS वर्जन को लॉन्च करने का साइन भी दे रहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और आगे आने वाली स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द ऑडियंस।